हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे देश के स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड जितने भी देश हैं उनके स्वतंत्र दिवस डेट के बारे में, राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में और राष्ट्रीय पशु के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बहुत ही शॉर्ट तरीके से बनाया गया है ताकि जब आप एग्जाम देने जाएँ तब ये वीडियो देख कर जाएँ और आपके इससे बाहर किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपके चाहे वो ग्रुप डी हो, डेली पुलिस हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, जैसे सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, रेलवे, पीएससी, एमपीपीएससी, इन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे देश के स्वतंत्र जितने भी देश हैं उनके स्वतंत्रता दिवस कब मनाए जाते हैं उसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे भारत के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, भारत का जो स्वतंत्र दिवस है 15 अगस्त को मनाया जाता है। पाकिस्तान का स्वतंत्र दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है, यानी एक दिन पहले पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस हमारे भारत से स्वतंत्र दिवस पहले मनाया जाता है। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस दोस्तों 4 जुलाई को मनाया जाता है। वहीं बांग्लादेश का 16 दिसंबर को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। बात करें दक्षिण कोरिया की तो इनका स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को हमारे साथ ही मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अफगानिस्तान की तो 17 मई को इनका स्वतंत्रता दिवस होता है। इंडोनेशिया का 17 अगस्त को, 4 जनवरी को म्यांमार अपना स्वतंत्रता या इंडिपेंडेंस डे मनाता है। वहीं मेक्सिको 16 दिसंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और केन्या यह 12 दिसंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। बात करें वियतनाम की तो दोस्तों यह 2 दिसंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करता है। 4 जुलाई को फिलीपींस अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। स्विट्जरलैंड 6 सितंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। बात करें अगर मलेशिया की तो मलेशिया दोस्तों 31 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है। वहीं बात की जाए फिनलैंड की तो फिनलैंड 6 दिसंबर को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। दोस्तों, अब कुछ और जो देश हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको बता दें श्रीलंका 4 फरवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 26 जुलाई को मालदीव अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और अफ्रीका 27 अप्रैल को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, जो हमारा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है उसी दिन ऑस्ट्रेलिया का स्वतंत्रता दिवस होता है। ये तो ही दोस्तों स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात। अब बात करते हैं राष्ट्रीय जितने भी देश हैं उनके राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में, उनके कौन कौन से प्रतीक हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं न्यूजीलैंड की तो सदर्न क्रॉस और फर्न की भी, ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक है। नॉर्वे का राष्ट्रीय प्रतीक शेर है। पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वह स्टार एंड क्रिसेंट है। सूडान का भारतीय सूडान का दोस्तों ईगल है। वहीं बात की जाए भारत की तो अशोक चक्र हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। तो इतना आपको भारत के बारे में पता होगा, लेकिन इन देशों के बारे में भी आपको याद रखना है। बात करें यूनाइटेड किंगडम की तो शेर टेड्यूल्स ये यहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है। कनाडा का मैपल लीफ राष्ट्रीय प्रतीक है। अमेरिका का वाइल्ड ईगल, जैसा कि आप दोस्तों जानते होंगे ईगल बहुत ही प्रचलित है यूएसए अमेरिका में, तो वाइल्ड ईगल ही यहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है। वहीं बात करें आइवरी कोस्ट की तो हाथी इनका राष्ट्रीय प्रतीक है। जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक ईगल है, ये भी आपको याद रखना है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक कमल है। ऑस्ट्रेलिया का बैटल है। फ्रांस का फ्यूलर द लिस ये राष्ट्रीय प्रतीक है, आपको याद रखना है। फ्रांस का मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। बात करें नीदरलैंड की तो शेर यहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है और ईरान का भी शेर राष्ट्रीय प्रतीक है। बात करें तुर्की की तो चांद तारा टर्की का राष्ट्रीय प्रतीक है। रूस का डबल हेडेड ईगल है, ये रूस का राष्ट्रीय प्रतीक है। सीरिया का राष्ट्रीय प्रतीक हॉक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों सीरिया का। बेल्जियम का शेर है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। ईरान का भी शेर ही है राष्ट्रीय प्रतीक और बेल्जियम का भी शेर राष्ट्रीय प्रतीक है। डेनमार्क की बात की जाए तो कोड ऑफ आर्म एंड 3 शेर, ये डेनमार्क का जिसमें 3 शेर होते हैं, ये डेनमार्क का राष्ट्रीय प्रतीक है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु के बारे में। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्र किस देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट देश हैं उनके बारे में, जैसा देख पा रहे होंगे प्रमुख देशों के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उसके बारे में। सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आगे। सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान की। तो दोस्तों मार्को पोलो जो भेड़ है वह हमारे जो अफगानिस्तान है उसका राष्ट्रीय पशु है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु मारखोर है, नेपाल का गाय है, भूटान का ताकिन है और म्यांमार का राष्ट्रीय जो पशु है वह बाघ है। दोस्तों हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं वहाँ से तो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट आता ही है। तो दोस्तों ये जो पड़ोसी देश हैं पांच पड़ोसी देश, इनके बारे में आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। बांग्लादेश का बात करें तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर है। श्रीलंका, डेनमार्क, नीदरलैंड और नॉर्वे, इन सभी का जो राष्ट्रीय पशु है वह शेर है। इन चारों का आपको याद रखना है। अर्जेंटीना का राष्ट्रीय पशु प्यूमा है। आयरलैंड का आयरिस वुलहांड या रेड हिरण, ये आयरलैंड का राष्ट्रीय पशु है। वहीं बात की जाए इंग्लैंड की तो बुलडॉग और शेर, यहाँ पर दोस्तों कॉमा है, बुलडॉग और शेर इंग्लैंड का राष्ट्रीय। बात करते हैं इंडोनेशिया की तो कोमोडो ड्रैगन इंडोनेशिया का राष्ट्रीय पशु है। इराक का कोमोडो ड्रैगन ये भी पशु है। इसराइल का हूपू तो राष्ट्रीय पशु है। बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो कंगारू यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं की धरती कहा जाता है, तो इनका राष्ट्रीय पशु होना है कंगारू स्वाभाविक है। कनाडा का जो दोस्तों राष्ट्रीय पशु है बियर है, जो ठंड में जो सफ़ेद बियर होते हैं वही कनाडा का राष्ट्रीय पशु है। बात करें जर्मनी की तो बाज यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। दोस्तों मैंने आपको बताया ईगल भी यहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है और बाज राष्ट्रीय पशु है। बात करें जापान की तो तीतर, दोस्तों जो तीतर होता है एक पशु है, ये जापान का राष्ट्रीय पशु है। बात करें अफ्रीका की तो स्प्रिंग बोक एंटीलोप अफ्रीका का राष्ट्रीय पशु है। दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय पशु कोरियाई शेर है। वहीं पोलैंड का सफ़ेद बाज ये राष्ट्रीय पशु है। फ्रांस की बात करें तो गैलफ रूस्टर यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। बुल्गारिया, बेल्जियम और सिंगापुर का राष्ट्रीय पशु शेर है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों जगुआर ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं, इसलिए इनका राष्ट्रीय पशु जगुआर है। दोस्तों कुछ ट्रिक तो ऐसी है कि जैसे आपको याद रखना है, तो जो जानवर जिस देश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जैसे हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाए जाते हैं, तो उनका राष्ट्रीय पशु हो जाएगा कंगारू। बात करें ब्राज़ील के तो जगुआर यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो जगुआर इनका राष्ट्रीय पशु हो गया। बात करें मलेशिया की तो मलाई टाइगर यहाँ का राजकीय पशु है। मिस्र में स्टेफ ईगल राष्ट्रीय पशु है। रूस का यूरोपियन ब्राउन भालू यहाँ का राजकीय पशु है। दोस्तों रूस के बारे में अभी आपको याद रखना है, क्योंकि अभी अभी ये युद्ध में यूक्रेन के साथ छिड़ा हुआ है, तो ये आना हमारे मेरे हिसाब से आई थिंक क्वेश्चन आना चाहिए। बात करते हैं यूएसए की तो यूएसए का राष्ट्रीय पशु अमेरिकन बायसन है, ये आपको याद रखना है। स्पेन का तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की है जितने भी राष्ट्रीय पशु होते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं विभिन्न देशों के, उनके बारे में। वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे स्टैटिक जीके के वीडियो हैं जो छोटे छोटे हैं और आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ से आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप एक बार वीडियो देख लें, दो तीन बार एग्जाम से जाने से पहले देख लें, आपका वैसे ही एग्जाम क्लियर हो जाएगा। इससे आगे आपकी किसी भी स्टैटिक जीके का पोर्शन नहीं पूछा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।